अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप मुझे जानते हैं, मैं कादर बाइक का एक नई वीडियो सबसे फिर से हाजिर आपकी खिदमत में। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं कि जो होंडा सिटी C70 के जो 24 का मॉडल है, उसमें कौन सा फॉल्ट आया है जो इंजन में, जो अक्सर सुबह सुबह का टाइम पर स्टार्टिंग करो तो डग 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 शर्ट 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 का ये दो आवाज़ रहता है, और ये एक डग डग का आवाज़ जो अभी आपको सुन रहा है, ये गर्म होने के बाद ये आवाज़ आता है। तो सुबह का टाइम स्टार्ट करो तो शड़ 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 शड़, और ये आवाज़ भी उसके साथ आता रहता है। तो इसका मेन मसला क्या है कि होंडा CB70 बाइक में जो ये मसला आ रहा है, तकरीबन 2019-20 के बाद ये मसला आ गया है, और 24 में भी ये फॉल्ट आया। अभी हमारे पास है कि एक कस्टमर आया है, उसने कहा मेरी आवाज़ बंद कर दे, मुझे बुरा लगता है। नया गाड़ी है, हमने आज मुकम्मल कर बोलेंगे आपको, हमें दिखाएंगे इसमें क्या फॉल्ट है, सुबह का टाइम शर्ट शर्ट क्यों कर रहे हैं होंडा CB70 बाइक। तो फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी लाजमी दबाए, ताकि आपके पास हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास फोन जाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके लिए सबसे पहले आपको गियर लीवर खोलना पड़ेगा 10 के ठीक से, 10 का बोल्ट खोल दिया, उसके बाद गियर लीवर को बाहर निकालें, गियर लीवर का बोल्ट वापस लगा दें, उसके बाद आपको 8 के ठीक की मदद से इसका मैगनेट कवर खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये बोल्ट खोलना पड़ेगा मैग्नेट का, 14 की गोटी से, 14 की गोटी से आप इसको खोल सकते हो। अगर आपके पास इसका टी नहीं है, अगर यहाँ पे खुला रहता है इसका, वो अगर आपके पास नहीं है, आप इसके 10 के बोल्ट से भी मैग्नेट को रोक सकते हो इस तरह, इस चीज़ से, इस चीज़ से, यानी कि जो पल्सर का नक्का है, इससे आप गियर लीवर पे फंसा के बोल्ट को आसानी से खोल सकते हो। तो इसका पुलर होता है, ये यूं बाहर निकाल दिया, उसके बाद जो है ना, ये दो बोल्ट खोलना पड़ता है, एक यहाँ पे, इसको 8 के बिट से, 4 मोले बिट से खोलना पड़ता है। ये दो डबल स्टैंड के नीचे कोई भी चीज़ रख दे ताकि ये ज़्यादा गलती ना हो जाए, यहाँ पे एयर निकल जाते। तो उसके बाद वो रख दिया, उसके बाद इसको बाहर निकालना पड़ता है 1 मोहरे पेचकश की मदद से। इसको बाहर निकाल दिया, और यहाँ से एक 10 नंबर का टी की मदद से नट खोलना पड़ता है। तो ये रूलर रबड़ इस तरह बाहर निकाल दो। तो यहाँ से मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ये जो रूलर रबड़ है यहाँ पे इसका एक बीच में जो लोहा दिया हुआ है, तो सुबह सुबह का जब आप बाइक स्टार्ट करते हो तो ये जो लोहा है इस बोल्ट के साथ टकरा के ना आवाज़ करना शुरू कर देता है। तो ये मसला अक्सर लोग आते हैं इसके बारे में पूछते, इसमें चाल आ जाता है तो उसके बाद ये आवाज़ शुरू करने देता है, हल्का सा भी चाल आया तो ये सुबह सुबह का टाइम खुश्क होता है तो ये आवाज़ करना शुरू कर देता है शण शण शण। तो ये रूलर रबड़ ये लगाने से तो ये आवाज़ आता है। होंडा बाइक में जितनी भी 0 मीटर गाड़ी आ रहे, नए गाड़ी आ रहे, तो उनमें ये फॉल्ट आ रहा है। अभी हमारे तो कबल ने फाल के पड़े, उसमें भी आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें लोहा दिया हुआ है और इसमें लोहा नहीं है, ये कभी भी आवाज़ नहीं करेगा, ये बोले 8 भी हो जाए आवाज़ नहीं करेगा, और इसमें लोहा दिया हुआ है ये आवाज़ करता रहता है। तो
इसमें ये फॉल्ट है, अगर आपका बाइक भी तो बस भाई आवाज़ करता है तो आप ये रबड़ चेंज कर दो। ये रबड़ चेंज करने के साथ साथ आपका बाइक बिल्कुल सुन हो जाएगा, सुबह का टाइम आवाज़ भी नहीं करेगा और डग डग आवाज़ भी बंद रहेगा। तो इसको फिट कर देंगे। अब इसको हम फिट कर देंगे। फिट करने के बाद जो है ना इसको हम चेक किस तरह कर देंगे कि इसमें नट मुकम्मल क्लियर आया है कि नहीं, यहाँ से चेक कर देंगे कि भाई क्लियर आया हुआ बिल्कुल। तो इसको भी हम टेस्ट कर देंगे और हम इसको कपड़ा लगा देंगे। इसका जो छोटा रूलर रबड़ है ये भी हार्ड हो चुका था इसलिए आवाज़ कर रहा था, मेन मसला उसका था। खैर ये भी हार्ड है, किट में ये भी आ जाते हैं तो इसको भी चेंज कर देते हैं। अभी टाइम चेंज बिल्कुल टाइट हो चुका है। फर्स्ट क्लास हो चुका है, अभी ये बिल्कुल टाइट हो चुका है। अभी ये बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा। अभी तो हम दोबारा फिट कर देंगे, आपको आवाज़ सुना देंगे। पहले भी आपने आवाज़ सुना था इस तरह का आवाज़ था, डग 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 डग, और सुबह का टाइम पे शड़शड़ का आवाज़ भी आता रहता है इसे। तो इसको ये सॉल्यूशन भी लगता है फिट करने के टाइम पे, ताकि हम फिट कर देते हैं। बाइक स्टार्ट कर दो। पहले आपने इसमें देखा कि कितना डग डग का आवाज़ था, अब बिल्कुल डग डग का आवाज़ भी ख़त्म हो गया और शर शर का आवाज़ भी ख़त्म हो गया। मैं अभी आपको पहले आपने इसको देखा कितना डग डग आवाज़ था, तो इसका डग डग आवाज़ भी बंद हो गया और शर शर का आवाज़ भी चलो सुबह नहीं करेगा। तो इसमें ये जो रबड़ होता है इसमें अक्सर लोहा आ जाता है, इसमें लोहा जो है ना लोहे का ब्रश होता है, तो ये हल्का सा भी चार्ज करता है तो उसके बाद ये आवाज़ करता है। आपने पहले जब शुरू में मैंने आपको आवाज़ सुनाई थी डग 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 आवाज़ करा, अब वो आवाज़ बंद हो चुकी है।